Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने छोटी और दरमियानी सनअतों के लिए बिजली की कीमत आधी करने का ऐलान कर दिया। छोटी सनअतों को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% रियायत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सनअतों को दी जाने वाली बिजली भारत और बांग्लादेश से 25% महंगी है। महंगे मुआहदों के बाद सनअतकारों को महंगी बिजली फराहम करना पड़ती है। कोरोना की दूसरी लहर, वायरस से एक ही दिन में मजीद 14 अफराद जान बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1167 नए केसेस की तशखीस हुई। मुल्क भर में अब तक 45 लाख से ज़ायद टेस्ट किए गए। नौ मुस्लिम आरजू से मुबैना निकाह करने वाला शख्स गिरफ्तार। वफाकी हुकूमत ने आरजू राजा केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया। गिरफ्तार शख्स को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। जो बात की थी ठीक की थी, अयाज सादिक ने बबांगे दहल कह डाला। कहते हैं अब मजीद इतना ना उकसाया जाए कि कोई और ऐसी बात हो जाए। वज़ीर आज़म ज़ातियात पर आ गए हैं। पीडीएम का 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा। राणा सनाउल्ला कहते हैं पीडीएम का लाहौर जलसा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। 13 दिसंबर को साबित होगा कि लाहौर जाग उठा है। Greenish hand sanitizer, Ala Green quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तवानाई शोबे से मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुकाबले के इस दौर में पाकिस्तान में सनअतों को मिलने वाली बिजली महंगी है। बदकिस्मती से सनअती शोबे को 25% महंगी बिजली दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री मुकाबला नहीं कर सकती। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 1 नवम्बर से छोटी और दरमियानी सनअतों को बिजली नवम्बर 2019 के रेट से 50% कम पर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तवानाई शोबे से मुतालिक इधारे ख्याल करते हुए कहा कि मुकाबले के इस दौर में पाकिस्तान में सनअतों को मिलने वाली बिजली महंगी है। बदकिस्मती से सनअती शोबे को 25% महंगी बिजली दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि पिछली हुकूमतों में बिजली बनाने के महंगे मुआहदे किए गए। आज जो पैकेज ऐलान कर रहा हूँ, इससे सनअती तरक्की में इजाफा होगा। इमरान खान ने कहा कि 1 नवम्बर से स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री छोटी और दरमियानी सनअतों के लिए इजाफी बिजली पर 50% कम रेट पर बिजली देंगे। मसलन अगर वो 16 रुपये यूनिट पर बिजली खरीद रहे थे तो अब वो 8 रुपए में मिलेगी। इसी तरह सारी सनअतों को इजाफी बिजली 25% कम रेट पर मिलेगी। अब कोई पीक आवर नहीं होगा और 24 घंटे ऑफ पीक ओवर होगा। वजीर आजम का कहना था कि मुल्की मईशत को बहुत मुश्किल से इस्तेकाम मिला है। हमारी एक्सपोर्ट 25 से 20 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। गाड़ियों की सेल बढ़ गई है, तामीराती सनअत आगे बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिलेगा तो गुर्बत कम होगी। कि हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से, संडे से, पिछले संडे से जो छोटा सनत है, जो छोटी सनत है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए जो इजाफी बिजली, यानी वो जो पिछले मसलन पिछली नवंबर को जो उनका बिजली का बिल आता था, उस बिल से जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे, उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6849 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,36,260 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,167 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 104,894, सिंध में 146,774, खैबर पख्तूनख्वा में 39,749, बलूचिस्तान में 15,977, गिलगित बल्तिस्तान में 4,293, इस्लामाबाद में 20,243, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,330 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 45,14,827 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,984 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,15,446 मरीज सहतियाब हो चुके हैं, जबकि 728 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 14 अफराद जांबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,849 हो गई। पंजाब में 2,372, सिंध में 2,633, खैबर पख्तूनख्वा में 1,280, इस्लामाबाद में 222, बलूचिस्तान में 152, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आज़ाद कश्मीर में 98 मरीज जान से हाथ धो बैठे। 13 साल नौ मुस्लिम आरजू राजा से मुबैना निकाह करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लाम कबूल करके शादी करने वाली 13 साल आरजू राजा के केस में फरीक बनने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी ने अपने बयान में कहा है कि मेरे वकील ने गुज़िश्ता समात पर अदालत को आगाह कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आरजू राजा को बाजियाब कराकर दारुल अमान भेजने का हुक्म दिया गया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए आरजू को गुज़िश्ता रोज़ बाजियाब करा लिया गया था। अदालत आलिया की जानिब से आईजी सिंध और दीगर फरीकीन को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी किए गए थे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक आरजू की बाजियाबी और अली अजहर की गिरफ्तारी सिटी कोर्ट के करीब से अमल में आई। आरजू को 5 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तफ्तीशी हुकाम का आरजू की उम्र से मुतालिक कहना है कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक आरजू की उम्र 13 बरस है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि जो बात की इस हुकूमत से मुतालिक की और ठीक की, इसलिए इतना ना उकसाया जाए कि कोई और ऐसी बात हो जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन में ज़राए बलागे आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 बार इलेक्शन हारे, वो ज़ातियात पर उतर आए हैं। हिंदुस्तान का झंडा और मोदी की तस्वीर लगाने का कोई जवाज़ नहीं बनता, ये अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि मैंने इस हुकूमत और वज़रा के बारे में जो बात कहना थी कह दी और वजाहत भी कर दी है। अब मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 2002 से कभी ऐसी बात नहीं की। अयाज सादिक का कहना था कि अगर आपको रोज़ ये कहा जाए कि मोदी की रूह आप में आ गई है, आप हिंदुस्तान के हैं और गद्दार हैं, तो क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? क्या आप कभी जज्बात में आकर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे? मैंने जो बात की उस हुकूमत से मुतालिक की और ठीक की। साबिक स्पीकर ने मजीद कहा कि सियासी इशू को सियासी रहना चाहिए और हम वो बात करें जो कौमी मफाद की हो, इतना ना उकसाया जाए कि कोई और ऐसी बात हो जाए, इसलिए इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर पड़ाव डालने का फैसला किया है। राणा सनाउल्ला कहते हैं कि लाहौर का जलसा फैसला करेगा कि पूरा पाकिस्तान जाग गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राणा सनाउल्ला ने कहा कि 13 दिसंबर को PDM जलसा मीनार पाकिस्तान पर होगा। परवेज मलिक की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें पार्टी अहदेदारों और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शामिल हैं। PDM का 13 दिसंबर का जलसा लाहौर की तारीख में बेमिसाल और फैसला कुन होगा। ये जलसा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। 13 दिसंबर को साबित होगा कि लाहौर जाग उठा है और उसके बाद पूरा पाकिस्तान जागेगा। राणा सनाउल्ला का कहना था कि पार्लियामेंट हमला केस में इस्तगाज़ा ने इमरान खान को गलत बरी करवाया। इस्तगाज़ा से पूछा जाए कि 6 साल आवाम का वक्त यूँ ज़ाया किया गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें। एक तरफ इमरान खान बरियत और दूसरी तरफ 120 नई अदालतों की बात हो रही है। खसूसी अदालतों के जजिस का तकर्रुर हुकूमत और वजारत कानून करती है। इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो जमहूरियत कैसे बढ़ेगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें। अगर अदारों को इन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर किस तरह से जो है वो मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़ेगी? फिर किस तरह से जो है वो मुल्क जो है वो आईन और कानून की हुक्मरानी जो है वो मुल्क में जो है वो कायम हो सकेगी?
मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने براہ راست جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا ہے۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ ایک وفاقی وزیر اداروں کو متنازع بنا رہا ہے، نیب کو کس نے متنازع بنایا، کون چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہا ہے، میری ضمانت دینے پر جج کو واٹس ایپ پر تبدیل کر دیا گیا، واٹس ایپ پر جج کے تبادلے کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا، کیا ملک میں یہ انصاف ہو رہا ہے، چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نوٹس لیں۔ ان جج کا تقرر جو ہے بعد جو ہے وہ جج جب میری ضمانت لینے لگا تو اسے واٹس ایپ کے اوپر تبدیل کر دیا گیا۔ میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس واٹس ایپ کے اوپر ہونے والے تبادلے کا آج تک کیوں نوٹس نہیں لیا گیا۔ واضح رہے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا اتحاد پی ڈی ایم گجرانوالہ کراچی اور کوئٹہ میں جلسے کر چکا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV. TAG TV updates you about corona situation in Canada and around the globe.